हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं तिल मावा बर्फी, जिसे हम गुड़ के साथ बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने एक नॉनस्टिक पैन लिया है, जिसमें मैंने 100 ग्राम मावा ले लिया है। इसे हम थोड़ा रोस्ट करेंगे, भूनेंगे, थोड़ा हल्का सा कलर चेंज होने तक। इसका कलर ज़्यादा चेंज ना हो, बस इसका मावे का कच्चापन दूर हो जाए, तब तक हम इसे भून लेते हैं। फ्लेम को हमें कम पे ही रखना है। और ये मावा हमारा भून गया है, 2 मिनट हमने भूना है मावे को। अब गैस को ऑफ कर देंगे और इसमें मैं ये डाल रही हूँ 1 चम्मच हरी इलायची का पाउडर। मिक्स कर देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और ये मैंने 150 ग्राम तिल ले लिया है। ये वाइट तिल है, ये मुझे मार्केट से रोस्टेड मिला था। आपके पास अगर कच्चा तिल हो तो आप इसको 3-4 मिनट बिना किसी घी या ऑयल के पैन में रोस्ट कर लें। बस तिल हल्का सा रोस्ट हो, उसका हल्का सा कलर चेंज होने लगेगा और तिल में से आवाज़ आने लगेगी चटकने की, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका तिल रोस्ट हो गया है। ये 150 ग्राम ही मैंने गुड़ लिया है, आप इसकी जगह शुगर यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम तिल को मोटा मोटा ग्राइंड कर लेंगे और गुड़ को भी आप चाहें तो ग्रेट कर लें या फिर ग्राइंड कर सकते हैं। मैं इसे ग्राइंड करूँगी, दोनों को अलग अलग ही दोनों को ग्राइंड कर लेते हैं। इसे जार में लेके और ये गुड़ को ग्राइंड कर लिया है मैंने। मावा हमारा थोड़ा ठंडा हो गया है। अब हम गुड़ और मावा को मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। ये मावा और गुड़ अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और अब हम इसमें ये हमने जो तिल ग्राइंड किया था ये थोड़ा थोड़ा करके मिक्स कर देंगे। ये बाकी बचा हुआ तिल भी डाल देते हैं और मिक्स कर देते हैं। ये सब हमारा मिक्स हो गया अच्छी तरह से। अब इसमें मैं थोड़ा सा 1/2 कप कोकोनट पाउडर डाल रही हूँ। ये कोकोनट पाउडर जो मार्केट में आता है वो वाला है, आप चाहें तो कोकोनट ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसको। और ये मैंने एक ट्रे ले ली है, इसे ग्रीस कर लिया है घी से। अब इसमें हम अपना मिक्सचर फैला देंगे, हमें इसकी बर्फी जमानी है। तो ये हमारा ट्रे काफ़ी बड़ा है, इसको मैं 1/2 में ही फैलाऊंगी, नहीं तो बहुत पतला हो जाएगा, बर्फी के पीसेस पतले निकलेंगे, इसलिए मैं 1/2 में ही कर रही हूँ। और इसको अच्छी तरह से दबाते हुए इसके ऊपर मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ। मैंने थोड़े से काजू और बादाम बारीक बारीक काट लिए थे, इसके ऊपर फैला देंगे और इसको थोड़ा हल्के हल्के हाथों से दबाते हुए जिसे ड्राई फ्रूट्स अंदर दब जाएं। और इसके बाद हम बर्फ़ी को लगभग 1 घंटे के लिए या फिर जब तक ये पूरी तरह से ठंडा ना हो जाए इसको ऐसे ही रख देंगे सेट होने के लिए। ये सेट हो जाएगा फिर हम इसके पीसेस निकालेंगे। और ये देख रहे हैं आप, बर्फ़ी हमारी सेट हो गई है। इसे अब हम काट लेते हैं पीसेस में। बहुत अच्छी तरह से ये सेट हुई है, बहुत अच्छी बर्फ़ी बन के तैयार हुई है, बिल्कुल सॉफ्ट। और अगर बाय द वे आपकी बर्फ़ी हार्ड हो रही है तो आप इसमें जब आप मिक्स कर रहे हैं मिक्सिंग टाइम में तो आप इसमें थोड़ा 3 से 4 टेबलस्पून दूध मिक्स करें और इसको हल्का सा मिक्सचर को गर्म करें तो ये बहुत अच्छी तरह से बन जाएगी। कभी कभी गुड़ की क्वालिटी थोड़ा अलग होने की वजह से बर्फ़ी हमारी जो है वो थोड़ा ड्राई सी होने लगता है मिक्सचर। ये देखें बहुत अच्छी से सेट हुई है बर्फ़ी, बिल्कुल परफेक्ट और सॉफ्ट बर्फ़ी बनी है। चलिए इसे मैं सर्व करके दिखाती हूँ आपको। और ये देखिए हमारी बर्फ़ी कितनी अच्छी लग रही है, बहुत सॉफ्ट, बहुत ही अच्छी बर्फ़ी बनी है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें
और रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।